बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है, पर गौरांग जी सबसे पहले तो मैं आपसे एक बार पीएसयू काउंटर्स पे ही राय लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ नतीजे भी देख रही थी। देखिए BEL के नतीजे फ्राइडे को आए, स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। साथ ही कोल इंडिया के जो नतीजे रहे ओवर द वीकेंड, इतने अच्छे तो नहीं रहे बट बहुत ख़राब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीजनली थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहता है। आज BHEL के नतीजे हैं गौरांग जी, ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कई सारे रिटेलर्स भी मौजूद हैं, साथ ही साथ इसमें करेक्शन भी काफ़ी आ गया है। कैसे देख रहे हैं आप PSU खेमे को, और साथ ही क्या यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले तो सृष्टि आपको, इटिनाव स्वदेश की पूरी टीम को, इटिनाव स्वदेश के दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे और आपको संपत्ति और वृद्धि मिले अपने जीवन में। तो देखिए, सरकारी खेमे की कंपनियों की बात करें तो हमें विभाजन करके देखना अनिवार्य होगा, क्योंकि कुछ में, मिसाल के तौर पर, एक या दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जहां पर नतीजे जो अनुमान थे उससे बहुत ही विपरीत आए। रक्षा क्षेत्र की कंपनी जिसका जिक्र आपने किया है सृष्टि, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहां पर नतीजे बहुत अच्छे आए, हमारे जो अनुमान थे उससे भी बेहतर आए। सरकारी बैंकों में मेरे ख्याल से अभी तक जो भी हमने देखा है वो मिला जुला सा कारोबार है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस समय सीमा को ध्यान में रख करके निवेश करते हैं या फिर निर्णय लेते हैं इस गिरावट का लाभ उठा करके निवेश करने के लिए। तो अगर आप हमें पूछते हैं तो हमें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, सरकारी बैंक्स, सरकारी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, उसके साथ साथ सरकारी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां, मिसाल के तौर पर NBCC जैसी कंपनियां हैं, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के ढांचा खड़े करने वाली कंपनी जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इन सभी पर हमारी लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। केवल मात्रा ये है कि यहाँ से त्योहार का सीजन है, मेरे ख्याल से इतना उत्साह इस बार त्योहार के समय में हमने शेयर बाजार में देखना मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बहुत मायूसी भरा माहौल होगा, लेकिन इसके आगे की अगर सोच और विचारधारा आप रखते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दायराबंद कारोबार, थोड़ा बहुत और मुनाफा वसूली की चपेट में आने के बाद इतिहास गवाह है सृष्टि, हमने एक नया शिखर जीवन का बनते हुए देखा है शेयर बाजार में। तो आपके समय सीमा पर सब कुछ निर्भर है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको गौरांग सर गाइड भी कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये बात अच्छी है, और ये बात इतिहास भी बात कर प्रूव करता रहा है कि थोड़ा मुश्किलों के बाद फिर से एक ठंडी बात ज़रूर आती है, यानी कि अगर आपको दुख है तो फिर सुख ज़रूर आएगा। कुछ कुछ है मार्केट के अंदर, अभी पोजिशनिंग है, अपने हिसाब से उच्चारण कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपकी सोच अलग होनी चाहिए। आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपकी सोच अलग होनी चाहिए। आप ट्रेडर हैं तो आपकी सोच अलग होनी चाहिए। पहले खुद से डिसाइड करना है कि हम कौन हैं। जब हम कौन है पता लग गया, फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझना। आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ना बैंक को लेकर आई हैं, उसमें से एक मैं सिर्फ नमूरा का ही जिक्र करूंगा। उन्होंने एक ICICI बैंक के 1500 प्लस का टारगेट दिया। उसी नमूरा ने कहा है कि बंधन बैंक को भी आप देख सकते हो। तो दो अलग अलग बैंक या अलग अलग श्रेणी के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो बंधन बैंक को लेकर कह रहे हैं कि पहले वो सेल करना चाहते थे, लेकिन उनका स्टांस अब न्यूट्रल हो गया। वो कहते हैं कि हम अपने टारगेट को भी 170 से 180 कर देते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया है। आप बंधन बैंक को ट्रैक करते हैं सर? बंधन बैंक, खाली बंधन बैंक को ट्रैक करते हैं आप? डिम्पी, बिल्कुल बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, लेकिन दिक्कत एक ही है डिम्पी बंधन बैंक के साथ। नतीजे जो आते हैं पहले तो वो बहुत ही विपरीत आते हैं। कुछ तिमाहियों में आपको बहुत अच्छा रुझान आते हुए दिखता है और कुछ तिमाहियों में उसी तरफ विपक्ष में अगर आप देखें तो बहुत मायूसी भरा कारोबार। दूसरी बात, इनके सर्वोच्च अधिकारी को लेकर के कुछ अनिश्चितता कुछ समय पहले थी, लेकिन अब स्पष्टीकरण आ चुका है और एक नए व्यक्ति का चयन किया गया है, जो मेरे ख्याल से ये जो विपरीत नतीजे आते हैं दोनों तरफ वहां पर स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे। जोखिम झेलने की क्षमता अगर बहुत ही ऊपर के तरफ है, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूं डिम्पी, कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है तब जाकर के आप बंधन बैंक में निवेश कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति और नतीजों को देखते हुए 230 के आसपास के लक्ष्यांक रखे हैं।
थोड़ा जोखिम ज़्यादा है, आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, मना नहीं है। और रिपोर्ट भी यही कह रही है कि भाई वो भी पहले सेल करना चाहते थे, उन्होंने स्टांस न्यूट्रल कर दिया, बाय नहीं किया, हाँ न्यूट्रल किया है, बेचेंगे नहीं, ये भी मना कह रहा है कि खरीदेंगे भी नहीं बट बेचेंगे नहीं, ये बात साफ हो गई है। तो ये बात काफ़ी हद तक आपको गरांग सर ने भी इसी लाइन पर ही आपको बताया है। एक और रिपोर्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इस समय आई है, उस रिपोर्ट पे है ओला इलेक्ट्रिक पे, हाल की लिस्टिंग है आपको मालूम है ओला इलेक्ट्रिक की, और रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई 140 से हम टारगेट को घटा के 110 कर देते हैं। ये HSBC की रिपोर्ट है, ये शेयर आपको पता ही है कैसे चला था, यहीं से ही लिस्ट हुआ था, इसी जगह से ही 75, 76, 78 के आसपास ही, और उसके बाद इसने जर्नी देखी करीब 150 के ऊपर की, वापस उसी रेट पे आ गया जिस रेट से चला था। और रिपोर्ट अब जो भी है इस है, हालांकि रिपोर्ट अभी भी 110 समथिंग कह रही है बट फिर भी 77 का भाव है। एक बार गोरांग सर वापस आपके पास ही आना होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल हेल्प नहीं कर पाएगा कुछ ज़्यादा, है ना, कि चार्ट छोटे हैं। आप जरा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है ओला से, और क्या अच्छा दिखा ओला के अंदर, दोनों चीज़ बता दीजिएगा। डिब्बे, एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आपके साथ और आपके सहयोगी के साथ। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के पहले, ओला इलेक्ट्रिक के जब लिस्टिंग हुई थी उस दिन और उसके पश्चात, मैंने निरंतर एक बात कही है कि 1500 करोड़ का नुकसान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट को लेकर के बहुत तकलीफ है, उपभोक्ता बहुत बड़ी तरीके से मायूस है, और बात तो अब आ जा करके कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच गई है। तीसरी बात, जो 15 अगस्त को इस साल इन्होंने मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक लॉन्च की है, वो आपको मिलेगी अगले साल दिवाली, तब तक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के पूरे पूरे आसार है, और हमने देखे भी हैं कि प्रतिस्पर्धी कंपनी किस प्रकार से तीव्र गति से लॉन्चेस कर रहे हैं। बैटरी, जो जिगा बैटरी की बात कर रही है, उसमें भी समय लग रहा है, और अगर परिस्थिति यही रही तो मेरे ख्याल से लोग दो बार सोचेंगे इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि आईपीओ के समय पर 76 के स्तर पर, मेरे ख्याल से जो ऊपरी स्तर था आईपीओ का, वहां पर हमने निवेश की राय दी थी, लेकिन वो राय देते समय हमने ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके पास कम से कम 2.5-3 साल की समय सीमा होनी चाहिए अगर आपको एक निर्णायक रूप में इस आईपीओ में निवेश करके पैसे कमाने हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति देख रहा हूं डिम्पी, नुकसान एक तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करके कोशिश करके उस नुकसान को धीरे धीरे कम करके एक ब्रेक इवन तक आ सकते हो और फिर मुनाफे में आ सकते हो। लेकिन जब प्रश्न आके उठता है उपभोक्ताओं के ऊपर, और बहुत बड़ी मायूसी और निराशा उपभोक्ताओं को होती है, और जाके कंज्यूमर कोर्ट में मामला टकता है, तकलीफ ये है कि सर्विस सेंटर्स का निवारण जो है, टेक्नोलॉजी जो भी ये लोग यूज करते हैं, वो टॉप टू बॉटम तक नहीं आ रहा है, और उसी कारण सर्विसेज को लेकर के बहुत दिक्कत है। मैं एक ही चीज कहूंगा, एक आधुनिक कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दो पहिया, लेकिन दूसरे तरफ बहुत बड़ी निराशा प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर के और मैनेजमेंट की टिप्पणियों को लेकर के।